और इधर हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। धुआंधार प्रचार होगा। टोहाना और जगाधरी में चुनावी जनसभा होगी। तो पहले टोहाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, तो टोहाना के बाद जगाधरी में अमित शाह की विशाल रैली होगी। दो रैलियों से कई विधानसभाओं को साधने की कोशिश की जाएगी। एक हफ्ते में दूसरा दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और लगातार चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आपको नजर भी आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर आए। विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद पहली बार जब नरेंद्र मोदी आए तो ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को गोहाना में आने वाले हैं, और लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में अमित शाह की दो रैलियां हैं। बीजेपी के चाणक्य का हरियाणा दौरा और टोहाना से हमारे संवाददाता नवल सिंह भी जुड़ गए हैं। नवल, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं टोहाना, और जिस तरह से जो गादरी के अनाज मंडी में भी विशाल जनसभा होने वाली है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक हफ्ते में ये दूसरा दौरा है अमित शाह का। एक मिनट, हेलो जी, नवल आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है। यहाँ रैली को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और पंडाल जो है पूरी तरह से सजाया जा चुका है। लोगों का जो गांवों से है लोग निकलना शुरू हो गए हैं और वो जल्दी ही यहाँ पर पंडाल में पहुंच जाएंगे। जैसा कि पता है कि आपको, अमित शाह जो है मुख्य स्टार प्रचारक है और उसको लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह है, बल्कि उनके यहाँ आने से पूरे जिले पर उनके आने का प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता लगातार पिछले एक हफ्ते से इस तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसे उन्हें पता लगा था कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली रहेगी, और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मंच से वो मुख्य संबोधन में क्या क्या बातें कहते हैं, जिससे कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र में इनका प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील गुर्जर भी जुड़ गए हैं। सुनील, अमित शाह एक हफ्ते में दूसरा दौरा है ये, और बीजेपी के जो मुख्य स्टार प्रचारक हैं वो अमित शाह भी हैं, तो ऐसे में लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनाव प्रचार भी जारी है, लेकिन इस बीच अगर अमित शाह हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं तो किस तरह का असर जनता के बीच में देखने को मिलेगा? जी देखिये, जिस तरह से 2014 और 2019 के चुनावी परिणाम देखे, उसे देखते हुए जिस तरह से भाजपा जो है उत्तर हरियाणा के इन जिलों में, यमुनानगर खासकर जो उत्तरी छोर पर पड़ता है, इस पर जो है बीजेपी ने काफी ध्यान दिया है, और आज जो है यहाँ पर अमित शाह जो है जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। एक सप्ताह से जो है यमुनानगर के लोग जो है इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। भाजपा के कार्यकर्ता हों या समर्थक हों, सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा है, और 2:30 बजे जो है यहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है पहुंचेंगे, और अभी से जो है पंडाल सजा दिए गए हैं। करीब 7,000 कुर्सियां जो है पंडाल में लगा दी गई हैं, और उनको सुनने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं कि अभी से जो है गांव वालों ने जो है घरों से निकलना शुरू कर दिया है, और रैली स्थल की तरफ जाना जो है लोग शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल सुनील, देखिए क्योंकि यमुनानगर जिले की भी तमाम सीटों पर नजर जो है भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है, और मेन फोकस भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन मेन फोकस अगर यहां पर हम बात करें तो किस बेल्ट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फोकस करने वाली है, और दूसरा सवाल यह है कि अगर जनसभा होने वाली है तो जनता को किस प्रकार से साधा जाएगा और वोटर्स को किस प्रकार से साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा? जी देखिए, आपको बता दूं कि 2014 में जो है बीजेपी ने यमुनानगर जिले की सभी चारों सीटों पर कब्जा किया था, हालांकि 2019 के चुनाव में दो सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जो है वहां पर भी जो है बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, और उस क्षेत्रों से भी लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस रैली में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं जगाधरी विधानसभा, जिस तरह से यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, उसको भी साधने के लिए जो है लगातार यहाँ पर नेताओं का जो है बीजेपी के नेताओं का दौर लगातार चल रहा है। आगे आने वाले समय में यह भी संभावना लगाई जा रही है कि चुनाव से पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी जो है प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि जगाधरी विधानसभा से नामांकन करवाने के लिए कंवरपाल गुर्जर के साथ जो है राजस्थान से जो है योगी बाबा बालकनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर पांवटा साहिब के जो विधायक है सुरेश, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थाना भवन से जो है विधायक रहे हैं, यूपी के थाना भवन से विधायक रहे हैं सुरेश राणा, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और लोगों को
जो है अपने 10 साल के कामकाज भी गिनवा रहे हैं जी। चलिए आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी देते रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार और एक हफ्ते में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का आना, तो ऐसे में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है उनका यह दौरा। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर चीज देखने वाली बात ये रहने वाली है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं एक हफ्ते में दूसरी बार, तो जनता को किस प्रकार से साधा जाएगा, जनता तक अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा।